हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का मसाला। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर। इसे मैंने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। दो टमाटर रफली कट किए हुए, तीन प्याज रफली कट किए हुए। चलिए सब में पहले हम ग्रेवी के लिए मसाला बना लेते हैं। एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे 2 मिनट भून लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिला दिया है, अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। और इसे ढककर 5 मिनट पकने देंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन निकाल देंगे। टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल चुके हैं, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। प्याज और टमाटर ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे बारीक पीस लेंगे। अब हम इसमें आधा कटोरी दही डालेंगे और इसे ढककर बारीक पीस लेंगे। देखिए हमने इसे बारीक पीस लिया है। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छा गर्म कर लेंगे। देखिए तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे और इसे 2 मिनट भून लेंगे। हमने मसाले को 2 मिनट भून लिया है, अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच कांदा लहसुन मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच टिक्का मसाला डालेंगे। अब हम मसालों को 2-3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, आधा ग्लास पानी डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बॉईल आने देंगे। देखिए इसमें बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे, पनीर के टुकड़े डालेंगे, और इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिला दिया है, अब हम इसे ढककर 5 मिनट पकने देंगे। इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन निकाल देंगे। अब हम इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे
और इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा पनीर टिक्का मसाला बनके तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।